बहुत सारे स्टूडेंट्स की जानिब से मुझे अक्सर इस सवाल का सामना करना पड़ता था कि सर एनिमेशंस बनाने के लिए हमें स्टोरीज कहाँ से प्रोड्यूस करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई के आने से पहले तो एक गंभीर मसला था, लेकिन अब इस मसले का हल निकल आया है और वो हल निकला है चैट जीपीटी की सूरत में। चैट जीपीटी के आने के बाद भी अगर आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे तो फिर तो आपको एनिमेशन छोड़ देनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो आपको वो उस क्वेश्चन का जो आंसर है पूरे इंटरनेट से घंगाल कर कहीं ना कहीं से लाकर लाजमी दे देगा और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देगा। अगर आप उससे कहोगे कि भाई साहब ऐसे करो, इतनी लाइंस की, इतने कैरेक्टर्स की, इतनी ड्यूरेशन की और इतने डायलॉग्स की एक स्टोरी प्रोड्यूस करके दे दो, तो वो आपको चंद सेकंड्स के अंदर वो एनिमेशन की स्टोरी प्रोड्यूस करके दे देगा और वो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के 100% अकॉर्डिंगली। तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, मैं चैट जीपीटी से एक बेहतरीन एनिमेशन के लिए स्टोरी मांगने जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि वो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो स्टोरी बना के देता है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, chat.openai.com के नाम से एक साइट है, वहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर जाके मुझे न्यू चैट में यहाँ पर इसे पूछना है, दरअसल इसे कमांड देनी है कि काइंडली राइट मी अ स्टोरी विथ 15 डायलॉग्स फॉर माई एनिमेशन चैनल। My animation is contained on 5 characters. Story should base on adventure. यहाँ पर अगर आप लोगों के ग्रामर की गलती है, यहाँ पर अगर आप लोगों के स्पेलिंग की गलती है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये अच्छे से समझ आता है कि आप दरअसल मांग क्या रहे हो, डिमांड क्या कर रहे हो। तो अभी हम सिंपली इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि अब हमारे साथ ये क्या सलूक करता है। तो जनाब इसने हमें एक स्टोरी यहाँ पर राइट करके दे दी है जिसके डायलॉग्स आप देख सकते हो कि पूरे 15 डायलॉग्स हैं जो कि मैंने कमांड दी थी और उस कमांड के अकॉर्डिंग इसने मुझे 15 ही डायलॉग्स की स्टोरी बना के दे दी है। तो आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हो कि स्टोरी कितनी शानदार है और कितनी यूनिक है। इसे आप जो भी कमांड दोगे उस कमांड के अकॉर्डिंग ये आपको स्टोरी प्रोड्यूस करके दे देगा। अब आपने क्या करना है कि उस स्टोरी को लेकर आपने एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना है। स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हो आप लोग फोटोशॉप या फिर पावर पॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, 2D वाले में। स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने के बाद फिर आपने डायरेक्ट एनिमेशन के ऊपर काम शुरू कर देना है। अगर आपकी स्टोरी बेस्ड है डायलॉग्स के ऊपर तो आपने उन डायलॉग्स को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लेना और अपने कैरेक्टर्स को उन डायलॉग्स को डिलीवर कर देना और आगे आपके कैरेक्टर्स उन डायलॉग्स को डिलीवर कर देंगे। तो आपने देखना है कि आपको एनिमेशंस बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारी आज की जो वीडियो थी वो इस टॉपिक पर थी कि एनिमेशंस बनाने के लिए स्टोरीज़ कहाँ से ली जाएँ, और ये मसला जो है वो चैट जीपीटी ने हल कर दिया है। अब जाओ अपनी मर्जी की स्टोरीज प्रोड्यूस करो और मार्केट के अंदर बेहतरीन किस्म की एनिमेशंस लेके आओ कि जिन्हें देखकर देखने वाले का दिल गार्डन गार्डन हो जाए।